अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले तीन चार दिन से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस वीडियो को लेकर के। मैं तीन चार दिन से देख रहा हूँ कि ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में आखिर है क्या। मैंने बहुत ज्यादा तहकीक की, गौर व फिक्र किया और पता लगाया तो मुझे ये समझ में आया कि ये वाली वीडियो जादू टोना वाली है। और जादू टोना वाली वीडियो इसलिए वायरल हो रही है कि जिन लोगों ने जादू किया है और जादू में जो जो काम होते हैं, इतने गलीज और इतने घिनौने काम होते हैं जिसका तज़किरा भी करना लोगों को शर्मसार कर देता है। और वायरल होने की वजह यह है कि जादूगर लोग जो जादू करते हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पाक सरजमीन जहां बैतुल मुकद्दस है, मक्का मक्कतुल मुकर्रमा जो अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह है, वहां पर जाकर कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये वाली वीडियो इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब सोचे जरा कि मुसलमानों का ईमान कितना कमजोर हो गया है, क्या अब वो जादू टोना भी कर रहे हैं या करवा रहे हैं? तो अब ऐसे वैसी जगह पर नहीं बल्कि जो जन्नतुल बकी है वहां पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहां का कब्रिस्तान है और कब्र के अंदर इन लोगों ने कुछ चीजें जो जादू में लगाई जाती है, उन चीजों को इन लोगों ने दफनाया था, वो निकाल कर देख रहे हैं। एक काम कीजिए, ये वाली वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के बारे में और भी बातें बताता हूं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आखिरकार इन लोगों को क्या जरूरत पड़ी जो इतनी पाक सरजमीन जो अल्लाह का घर है, बैतुल मुकद्दस है, वहां पर जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है, वहां पर जाकर इन लोगों ने जादू टोना किया। आखिर इन लोगों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी? दूसरी बात यह है कि जादू टोना ये होता क्यों है और आखिरकार इसमें क्या क्या गलीज काम होते हैं, क्या क्या नापाक काम होते हैं और ये जादू जो है ये हराम क्यों है, इसके रिलेटेड मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। तमाम बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। आता हूँ। ارجع انا لا شوفك في شخص So they go out to, a grave and they dig inside the grave. They've caught a magician or they've been informed by a magician as to where the magic is hidden. And you're going to see that they bring out from the grave and they bring out usually a plastic bag. And the bag has various magical items in it. You can see there that you have the letters and the symbols. I'll show you another one that comes out of the grave. This is right in the base of the grave, in the middle of the night. They call them out because they've heard that there's some magic buried there, and they keep on digging and digging. And eventually they take out this pouch. They start to open the pouch. That looks like somebody's vest. Inside you have an egg, which is painted or colored red, it may well be blood, and has a number of needles stuck into it. You have man's tissue, you have a lemon, you have the head of an animal that was sacrificed to other than Allah. And you have these writings, you have all sorts, it's covered in blood. You have the child's nappy in there. And you have a sanitary towel. So you can see the sanitary towel in the middle, you can see the child's nappy over to the side, you can see a vest, you can see a handkerchief, a male tissue, a bunch of pins inside of the egg, and there's some Quran in there as well. And we're going to count the number of pins. You can see in there that there are 7 pins. And I'll just briefly show you some of it that's buried in the water as well. You can see they're dredging the sea at Jeddah. When the people come for Hajj, you would think that the people came to Hajj to worship Allah, but there are a whole bunch of people who come to Hajj in order to put magic in the sea near Mecca, because it's greater in disgracing the Islam and the Quran by putting it in the nearest place to. तो इस वीडियो को आपने देख लिया। इस वीडियो में मैंने आपको छोटे-छोटे 3 वीडियो दिखाए। इस वीडियो में आपने ये देखा कि कुछ लोग हैं जो कब्रिस्तान से उसको निकाल रहे हैं, अंदर से कब्र के अंदर से, और उसको निकाल करके देख रहे हैं। जादू में क्या क्या चीजें लगती है पहले आप इस वीडियो में आपने देखा। मैं आपको बता दूं कि जैसे नींबू वगैरह होता है और मुर्गी के जो देसी अंडे होते हैं उस पर कलर किया जाता है, और अगर कलर किया हुआ यानी कि लाल टाइप का अगर वो अंडा मिल जाए तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि हराम तरीके से जो मुर्गी का जो मुर्गे का जो ये सर होता है उसको मचोड़ करके निकाल दिया जाता है। इसके अलावा
आपने देखा होगा कि इसमें कुछ छोटे छोटे कपड़े भी दिख रहे हैं, तो जिसके ऊपर जादू किया जाता है तो उसके बदन से लगा हुआ कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो वो कपड़ा भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसमें लगाई जाती है, और इन तमाम चीजों को लगाने के बाद ही जादू जो होता है वो असर होता है जिसके ऊपर किया जाता है। अब मैं आपको सबसे अहम बात ये बताने वाला हूं कि आखिरकार इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। जादू कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी कब्रिस्तान में कर सकते हैं, लेकिन इन लोग मक्का शहर में जाकर के जो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है वहां पर इन लोगों ने क्यों किया। तो इसकी वजह यह है कि जादू जो होता है ये शैतान को खुश करने वाला काम होता है, और जो भी काम होता है उसमें, यानी कि जिस पर जादू चलाया जाता है, जैसे किसी को जान से मारना है या किसी के दिमाग को हैंग कर देना है, पागल कर देना है, किसी को बात मनवाना है, तो ये शैतान के जरिए से होता है। और जो लोग जादू करते हैं वो लोग शैतान को खुश करते हैं। शैतान जब खुश होता है तो खुश हो करके फिर इन लोगों की बात मानता है, और ये लोग जो चाहते हैं वो शैतान करता है। तो जितनी अच्छी जगह होगी उस जगह पर जाकर के अगर उस जगह में ये लोग इस तरीके के काम करेंगे, इस तरीके के हरकत करेंगे, यानी कि गलीज और नापाक काम करेंगे, गंदे काम करेंगे, तो शैतान ज्यादा खुश होगा। इसलिए ये लोग जन्नतुल बकी गए, मक्का शहर गए, ये उमराह के बहाने वो अल्लाह का मुकद्दस घर गए और जाकर के वहां पर ये जादू टोना का काम किया, इसलिए कि वो पाक सरजमीन है और वहां पर अगर ये गंदे काम करते हैं तो इससे शैतान ज्यादा खुश होगा, और जब ज्यादा खुश होगा तो शैतान इन लोगों का जल्दी काम करेगा। तो इसलिए ये लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान को छोड़ करके मक्का शहर को तलाश किया, और जन्नतुल बकी जो अल्लाह तबारक व तआला कि इतनी पाक सरजमीन पर वो कब्रिस्तान है वहां पर चुना, और ये लोग जाकर वहां जादू टोना किए। वाकई में मुसलमानों का इतना ईमान कमजोर हो गया है कि दुनियादारी के चक्कर में अल्लाह उसके रसूल को भी लोग नाराज कर रहे हैं और अल्लाह का मुकद्दस घर उसको भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी इस वीडियो के मुतालिक आप क्या राय रखते हैं आप कमेंट पर जरूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर करें, और इन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हिदायत के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को हिदायत फरमाएं और ये नापाक काम से तौबा करें। बाकी मुझे बोलने में समझाने में कोई कमी बेशी रह गई हो तो मेरी जरूरी सलाह करें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।